इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फरुखाबाद से, जहां पूर्व सैनिकों की मौजूदगी में असुरक्षा महसूस करते हैं परियोजना निदेशक शिवम सिंह। ज्ञापन देने पहुंचे पूर्व सैनिकों से असुरक्षित हो गए परियोजना निदेशक। इटावा बरेली हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित मामले पर ज्ञापन देने पहुंचे थे पूर्व सैनिक। पूर्व सैनिकों के कार्यालय पहुंचने की जानकारी होने पर परियोजना निदेशक ने जेई को ज्ञापन लेने को कहा। डाक से भी दिया, एक बाय एंड दिया। तमाम लेटरों के बावजूद भी यहां से कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है और एनएच का काम शुरू हो गया है, जो कि हमारे 4 फीट अतिरिक्त जो है हमारा इस रोड से पूर्व में बन जाएगा, जबकि 4 फीट पश्चिम में बनना चाहिए, वो हमारा इधर अतिरिक्त बनेगा। टोटल 8 फीट का उसमें डिफरेंस है, तो जिसमें 4-4 फीट का बंटवारे में आता है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इसका विषय ये था कि पहले उस समय हमने कहा कि ये उधर क्यों नहीं बनाया, तो इन्होंने कहा कि उधर पोल लगे हुए थे और हमारे पास बजट की कमी थी, इस वजह से पोलों की वजह से इधर जो है आपकी तरफ नहीं। अतिरिक्त जहाँ पे 8 फीट ले रहे हैं जी, तो उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो खर्चा तो उतना ही आना है। खर्चा उतना आता है, लेकिन इन्होंने लेकिन बजट, और जब यहाँ पे विरोध हुआ तो इन लोगों ने एक लेटर दे दिया, लेटर भी लिख के दे, और लेटर भी लिखित दिया हुआ है, उसका नक्शा भी हम लोगों ने इसके साथ में अटैच किया, लेकिन हम लोगों की कोई सुनी नहीं रहा है इसमें, जबकि इनके पास प्रूफ है, PWD के पास है, जिलाधिकारी के पास में है, ADM साहब के पास में है, SDM सदर में भी है, और यहाँ पर भी इनको भी मैंने दिया हुआ है। तो अब जब इनकी इन्होंने अपना वर्क नहीं किया तो इसमें गलती किसकी, हमारी तो गलती नहीं है, हमारे तो घरों में रोड घुस जाएगा। एक तरफ रोड जो है 9 फीट बच रहा है, एक तरफ जो है 1 फीट बच रहा है, ये कहाँ का अन्याय है? आगे क्या रहेगी रणनीति? आगे की रणनीति हम लोग आज ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए दे रहे हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर विरोध करेंगे और जो है इसके बाद में हम लोग जो है लखनऊ जाएंगे। साइड इंजीनियर है, ज्ञापन लेने के लिए आपको किसने अनुमति दी? ज्ञापन लेने के लिए आपको किसने अनुमति दी? आप ज्ञापन लेने किसने अनुमति दी? मुझे उन्हें बताइए, मुझे ईडी सर ने, परियोजना निदेशक ने अनुमति दी है। क्या इस समय है नहीं वो अपनी सीट पर? बात कर लीजिए, है ना, अपनी सीट पे बैठे हैं। मैं इस कार्यालय का प्रतिनिधि हूँ और मैं जो है रिप्रेजेंटेटिव, एज ए रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, तो आप लोगों को जो भी डिटेल में और आगे जो भी बात करनी है आप लोग आराम से बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप लोग गलत तरीके से जीवन के साथ अपना कर दिया और आप हमारे से मिलना नहीं चाहते हो तो फिर क्या चाहते हैं हम? अरे हम लोग घर छोड़ सकते, कुर्सी नहीं छोड़ सकते क्या? हम अभी अंतर चालू कर देंगे, फिर यहीं पे बैठ जाएंगे, उनसे कहना वो खुद ले आकर के, क्या भाई मुझे देना ही नहीं है। कैसे सुने आप? मुझे फील हो रहा है कि हाँ, लेकिन एकदम से आप भीड़ के सामने जाए सर, मीडिया को भी आपने बोल दिया कि 2 लोग से ज्यादा नहीं। अच्छा, मीडिया भी जब आपके ऑफिस में एंट्री करी थी तो बाहर पे रोक दिया गया था कि मीडिया अंदर नहीं आएगी। मैं बता देता हूँ, मुझे लगा सिर्फ एक मीडिया से आए, इसलिए मैंने बोला कि एक आ रहा है, एक मीडिया से तो 2 लोग काफी है। नहीं सर, मीडिया तो कितनी भी आ सकती हो। नहीं नहीं, मुझे अलाउ है कि इसमें एक ही आ सकता है या 2 आ सकते हैं, पता नहीं। ज्ञापन लेने के बाद क्या उनसे अच्छे से बात करना चाहूंगा, 1-to-1 या फिर जो भी है उस तरीके से बात करने में मुझे ज्ञापन लेने के बाद आपने बात करने से उनसे इनकार कर दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी उनसे पहले जो आए थे, क्या नाम है उनका, हाँ दिनेश सिंह जी, पहले वो आए थे, उनसे मेरी बात भी हुई थी और उसमें मैंने उनको बताया था कि जो भी चीज़ है मैं आगे कम्युनिकेट कर दूंगा, और उनको मैंने ये भी बताया कि चीज़ें अभी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तब भी आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं उसके चलते मैं ऊपर कम्युनिकेट करूंगा, और ये चीज़ मैंने ऊपर कम्युनिकेट भी कर दी है, हमारे क्षेत्रीय अधिकारी को मैंने बता भी दिया है और वो उसी हिसाब से चलेंगे।